नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक सूचना है जो आपको बता रहे हैं सूचना ये है कि आ, ये आज टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा और जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा इसका हम एक टेस्ट लेंगे पंद्रह सवाल का दस या पंद्रह सवाल का और वो टेस्ट कहाँ होगा वो टेस्ट ऐप में होगा और तुरंत टेस्ट देने के बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसका टाइम फिक्स रहेगा आप लोग पहले से तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए हम बता देंगे कि कब टेस्ट होगा एक छोटा सा वीडियो बना करके या फिर क्लास में बता देंगे ये टेस्ट मंडे या फिर ट्यूज़डे को होगा मंडे या ट्यूज़े को टेस्ट होगा ठीक है तो आप लोग तैयार रहिएगा जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं और पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम फोन भी उठा रहे हैं जिन लोगों का ऐप इंस्टॉल नहीं हुआ है तो इनका ऐप इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट हमको कॉल करिए ठीक है अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो एक बार ऐप को डिलीट मारिए फिर से इंस्टॉल करिए हो जाए सबका हो रहा है लगभग तीन सौ लड़के इंस्टॉल कर लिए हैं और भी लड़के कर रहे हैं तो जहाँ दिक्कत आ रहा है पूछिए तो चलिए क्लास शुरू करते हैं अब ठीक है देखिए सवाल को समझिएगा दिख रहा है नशे से सवाल बिल्कुल आज बहुत अच्छा दिख रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ए बी समानांतर सी डी यानी ये जो है ये ये जो है ए बी ये इसके समानांतर है अब देखिए यहाँ समझिएगा यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा सा डाउन है यहाँ से मतलब यहाँ से इसको हम अलग बना के दिखा देते हैं फिगर देखिए ये सी डी है ये ए बी है और यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन है आप लोग दिख रहा होगा ए बी यहाँ पे वाई है और यहाँ से ये सी डी है आपका ये सी डी है ये सी डी है सी डी है और ये ई e है हम लोग को यही वाला एंगल निकालना है ये वाला एंगल सी बी ई e, कितना होगा हम लोग को यही निकालना है और इसका मान दिया है एक्स आपका x है बहुत सिंपल सवाल है समझने की कोशिश करिएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग इसको यहां से मिला देते हैं यहाँ से इसको यहां से मिला देते हैं मिला दिया यहाँ से तो जैसे ही मिला है मान ली कि ये आपका एफ हो, हो गया चाहे जी हो गया जी हो गया, जी हो गया? अब एक बात बताइए कि जब ए बी पैरल है और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो जो ए जी है ये जो ए जी है वो सी डी का पैरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए तो सी डी का पैरल हो जाएगा तो फिर ये जो एंगल होगा ये वाला ये एंगल वो इसके बराबर होगा अल्टरनेट से क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो जब ये आपका तो इसका मान हो जाएगा एक्स एकदम दिख रहा होगा ना अच्छे से इसका मान हो जाएगा x और ये एक लाइन है तो पूरा 180 बनेगा तो जब इसका मान x है तो इसका मान हो जाएगा कितना पाई माइनस एक्स इसका मान होगा और इसका मान ये वाला ये वाला इसका मान हो जाएगा पाई माइनस वाई ठीक क्योंकि यहां पर वाई बन रहा है यहाँ पर x बन रहा था तो इसका मान हुआ π माइनस और यहाँ पर y बन रहा है तो इसका मान होगा π माइनस और यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में देखिएगा त्रिभुज बी ई जी में त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा यानी इसको इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा यानी हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं इसको जोड़िए अब जोड़िए जोड़ेंगे तो पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस वाई प्लस एंगल सी ई बी एंगल सी ई बी त्रिभुज का तीनों कोण ऐड कर देंगे तो वन एटी हो जाएगा और वन एटी को ही ना पाई कहते हैं तो इक्वल टू पाई पाई हो जाएगा अब देखिए अब एगो पाई और एगो पाई क्या होगा कट जाएगा अब एंगल सी बी ई अब ये तीनों को उस साइड भेज दीजिए तो एक्स और वाई प्लस हो जाएगा और पाई माइनस हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई माइनस पाई यही आपका आंसर होगा इस सवाल का एक्स प्लस वाई माइनस पाई समझ गए चलिए अगला सवाल अगला सवाल सवाल नंबर बाईस अच्छे से दिख रहा है ना ठीक है चलिए पी क्यू पैरल आर एस समझिएगा पी क्यू ये आपका पी क्यू है और ये आपका आर एस है और ये जो एंगल है ये वाला ये एंगल दिया है पचपन डिग्री ये एंगल दिया है आपका सैतालीस डिग्री और ये जो एंगल है ये वाला ये दिया है आपका सिक्सटी सेवन डिग्री अब एक बात बताइएगा हमको निकालना क्या है एंगल एन एम एस यानी यहाँ पे एन है ये एन है एन एम और एस निकालना है यही एंगल निकालना है तो चलिए देखते हैं हमको ये एंगल निकालना है ये वाला ठीक तो ये कैसे निकालेंगे एक बात बताइएगा कि पहले ये एंगल निकालिए ये वाला ये वाला कैसे निकालेंगे कि पचपन और सत्ताइस को ऐड करके एक सौ अस्सी में से घटा देंगे यानी एक सौ अस्सी ये निकाल रहे हैं ये वाला सात पाँच बारह का दो और पाँच चार नौ एक दस एक सौ दो डिग्री यानी अठहत्तर डिग्री आपका हो जाएगा कौन सा एंगल ये वाला ये आपका अठहत्तर हो गया अब हमको एक बात बताइए कि ये त्रिभुज बन रहा है ना ये एल है एल एम एन ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज बन रहा है और ये सिक्सटी सेवन है ये सेवेंटी एट निकाले हैं तो ये निकाल सकते हैं तो निकालिए निकालिए एंगल एल एम एन बराबर कैसे निकालेंगे 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वन एट्टी होता है तो 180 और 180 में से अठहत्तर और सरसठ जोड़ करके घटा दीजिए तो अठहत्तर और सड़सठ कितना होता है आठ सात पंद्रह का पाँच एक सौ पैंतालीस होता है यानी एक सौ अस्सी माइनस एक सौ पैंतालीस तो आ जाएगा कितना पैंतीस यानी ये जो मान आया ये ये आ गया आपका पैंतीस आ गया अब जो है कंसेप्ट समझिएगा यहीं पे मेन कंसेप्ट यहीं पे है पी एल पी क्यू ये पी है और यहाँ पे ये क्यू है ये क्यू है और ये आर है और ये एस है पी क्यू और आर एस पैरल है पी क्यू और आर एस क्या है पैरल है तो फिर ये ये आपका ट्रांसवर्सल होगा तो फिर ये एंगल और ये एंगल पूरा इक्वल होगा यानी अगर ये पचपन है ये भी पचपन होगा तो पचपन में से इतना पार्ट जो है पैंतीस हो गया है तो फिर ये जो पार्ट होगा ये वाला बीस होगा क्योंकि पैंतीस और बीस कितना होता है पचपन होता है यानी आपका आंसर क्या होगा बीस ठीक होता है बहुत सिंपल सिंपल सवाल है बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है कहाँ पर आ, अल्टरनेट बन रहा है यही सब ध्यान देना है अगर ये सब समझ गए जमटी समझ में आ जाएगा चलिए अगला सवाल इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगला सवाल चलिए देखिए अब यहां पे इस सवाल को देखिएगा सवाल नंबर बाईस है इसमें आपको हम फिगर अलग बनाते हैं ठीक है क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा हो गया है आपको दिख नहीं दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ पर फिगर बना देते हैं एक्स वाई जेड ई एफ और यहाँ से है मिनट ई एफ और यहां से है यहां से है डी बी डी बी और एक लाइन यहाँ से आ रहा है ये वाला लाइन और यहाँ पे, पे दिया हुआ है तीस यहाँ पे दिया हुआ है तीस समझिएगा ये ये जो लाइन आ रहा है ना ये यही पे कर मिल रहा है इसी पॉइंट पे। दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है ये दिया हुआ आपका तीस दिया हुआ है और ये जो एंगल है ये वाला ये आपका अस्सी दिया हुआ है और ये एंग्लिये वाला ये दिया हुआ है एक सौ पच्चीस एकदम आराम से बता रहे हैं आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा एक सौ पच्चीस यहां पर ए है यहां पर ए है डी ई एक्स वाई जेड एफ हमको बताना है देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों पैरल है और हम लोग बताना है ए एफ बी ए एफ बी यानी हम लोग को ये एंगल बताना है बहुत बेहतरीन सवाल है चलिए बनाइए 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 जल्दी से बना के आंसर बोलिए ए एफ बी जल्दी बनाइए जो लोग बना सकते हैं फिगर हम अलग ड्रा कर दिए हैं चलिए देखिए अब कैसे हम लोग बनाएंगे समझिएगा अच्छा सवाल था देखिए एक बात बताइए कि अगर ये अस्सी है ये भी अस्सी होगा बोलिए होगा कि नहीं होगा अस्सी होगा शीर्षाभिमुख कोण और ये तीस है तो ये भी तीस होगा शीर्षाभिमुख कोण कितना समझ रहे हैं आ ये जो एंगल है ये वाला ये वाला एंगल कितना होगा बोलिए चूंकि ये एक लाइन है ये एक आपका लाइन है तो 180 बनेगा यहाँ पे तो ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा 55 होगा ये वाला जब ये 55 हुआ ये वाला तो ये भी 55 होगा बोलिए समझ रहे बात नहीं समझे बात ये पचपन ये अस्सी कैसे हुआ शीरषाभिमुख कोण ये तीस कैसे हुआ शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये पचपन कैसे हुआ एक लाइन पे वन एटी बनता है तो जब ये एक सौ पच्चीस है तो फिर ये पचपन होगा और जब ये पचपन हुआ तो ये पचपन कैसे हुआ ये वाला इस हिसाब से पचपन हुआ कि तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये जितना होगा उतना ये भी होगा एकांतर कोण से क्योंकि ये दोनों क्या है समानांतर है यहां पर आपका एक सौरवाई क्या है समानांतर है अब यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है यहां पे आपका एक त्रिभुज बन रहा है कौन ये ये त्रिभुज बन रहा है आपका तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एक सौ अस्सी होता है तो ये दोनों कोण मिला करके एक सौ पैंतीस हो जा रहा है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा पैंतालीस हो जाएगा ये वाला ये पैंतालीस हो जाएगा आपका जब ये 45 हो जाएगा तो अगर इस त्रिभुज को देखते हैं हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं तो इसका जो मान होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा क्योंकि बाह्य कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है तो जब ये 45 है तो ये दोनों मिलकर 45 होंगे यानी अगर ये 30 है तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा पंद्रह डिग्री हो गया कैसा सवाल है मजा आया ना आंसर कितना होगा पंद्रह दिख रहा है एक बार और समझा देते हैं चलिए समझिए एक बार और यह तीस है सामने वाला तीस होगा ये अस्सी है सामने वाला अस्सी होगा एक सौ पच्चीस है तो ये पचपन होगा और बस इसको समझना है कि ये पचपन है तो फिर ये भी पचपन होगा एकांतर कोण से आ इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योगोनेटी होता है दो दिया हुआ अस्सी और पचपन एक सौ पैंतीस तो फिर ये पैतालीस होगा और इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो ये इसका बाह्य कोण होगा तो इसका जो मान होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा यानी तीस प्लस एक्स बराबर पैंतालीस ये कह सकते हैं कि तीस प्लस एक्स बराबर पैंतालीस तो फिर x का मान कितना आ जाएगा x का मान पंद्रह आ जाएगा आई बात समझ में तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाएंगे बस वही सारा रूल है क्वेश्चन कैसा भी घुमा के देगा रूल कंसेप्ट वही आएगा आप अपना दिमाग लगा करके और तरीके से भी बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला सवाल अगला सवाल देखिए आपको क्या बताए थे समझिएगा ये बहुत सिंपल सवाल है ए बी एल यहाँ पे एम यहां यहाँ पर बी है यहाँ पर सी है इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा अब एक बात बताइएगा अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं इसका मान पूछ रहा है अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं यहाँ से जो इसके पैरल होगा तो फिर ये काम करेगा किसका? ट्रांसवर्सल का तो फिर ये बी है अगर तो ये भी बी होगा एकांतर कोण से और ये अगर सी है तो ये भी सी होगा और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 360 होगा क्योंकि आपको बताए थे कि एक वृत्त में 360 बनता है ए प्लस बी प्लस सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीन सौ साठ यानी कि टू पाई तीन सौ साठ यानी कि टू पाई टू पाई हो जाएगा यानी एंगल ए का मान कितना हो जाएगा टू पाई माइनस बी माइनस सी हो गया आंसर क्या करना था कुछ नहीं टू पाई माइनस बी माइनस सी आंसर इसका सी होगा क्लियर हो गया, गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग इसको दो बार तीन बार देखिए बढ़िया समझिए और खूब प्रैक्टिस करिए ऐसा ऐसा सवाल किताब से सेट से उठाइए और बनाइए लाइन्स एंड एंग्लिस के जितने सवाल मिल रहे हैं सारे सवाल को बना लीजिए और अगर कोई सवाल नहीं बन पा रहा है तो आप उसको डाउट में भेजिए जो ऐप में आस्क डाउट का ऑप्शन है उसमें भेजिए अगला सवाल ध्यान समझिएगा इन द गिवेन फिगर एंगल बी जेड एन बी जेड एक मिनट कहीं कहीं छोड़ दिया है बी जेड एक्स है एंगल बी जेड एक्स यहां पे एक्स है यहां पर वाई है यहां पर पी है यहां पर ए है यहां पर बी है यहां पर जेड है यहां पर क्यू है और यहां पर आर है ठीक है ये आपका चालीस है आपको दिख भी रहा कि चालीस है और ये एंगल ये वाला ये एंगल एक सौ बीस है यहाँ लिख देते हैं एक सौ बीस डिग्री और ये जो एंगल है ये वाला ये पच्चीस है हम लोग को निकालना है ये वाला एंगल हम लोग को ये वाला एंगल निकालना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बी जेड एक्स निकालना है एक बात बताइएगा कि अगर हम लोग इस त्रिभुज का बात करते हैं ध्यान से देखिए अगर इस त्रिभुज के बात करते हैं तो इसका जो मान होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा यानी अगर ये निकल जाएगा तो यह आराम से निकल जाएगा जितना इन दोनों को जोड़ देंगे बस ये आ जाएगा अब ये कैसे निकलेगा समझिएगा अगर ये ये जो एंगल है ये वाला मेरे बात ध्यान सुनिएगा ये वाला वो इसके और इसके योग के बराबर होगा बोलिए होगा कि नहीं एकदम होगा क्योंकि इस त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज के लिए यह बाह्य कोण का काम कर रहा है तो जब ये पच्चीस है तो ये भी पचीसन होगा ये वाला पचीसन होगा क्योंकि सामने सामने है शीर्षाभिमुख कोण यानी इसका अभिमान कितना आएगा पच्चीस आएगा पच्चीस है पाँच है पच्चीस आएगा और ये एक सौ बीस है तो ये साठ होगा यानी साठ और पच्चीस पचासी ये कितना हो गया आपका पचासी हो गया अब इसको निकालना है तो पचासी में चालीस को ऐड कर दीजिए यानी पचासी और प्लस चालीस यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका एक सौ पच्चीस डिग्री आंसर कौन होगा आपका डी होगा तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं ठीक है आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बस जब हम बता रहे हैं तो एकदम ध्यान से देखिए एकदम एकदम आराम से बता रहे हैं धीरे धीरे ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ जाए अगला सवाल समझ में आ गया ना ये चलिए अगला सवाल देखिए अब ये सवाल क्या है समझिएगा एक सवाल आप लोग को छोड़ रहे हैं ये सवाल आप खुद बनाइएगा ये सवाल आप लोग खुद बनाइएगा यहाँ पे पचास है ये पचास है और ये आपका साठ है बना ही देते हैं देखिए ये और ये आपका समानांतर है पी क्यू टी यू आर एस देखिए समझिएगा पी क्यू समानांतर टी एस पी क्यू पी क्यू पी क्यू समानांतर पी आर है यहां पे, P पी आर पी आर ये ये, ये लाइन ये और ये आपका समान्तर है पूरा और पी यू समान आर एस पी यू ये वाला और मतलब ये 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 छोटा वाला और ये छोटा वाला समानांतर है यानी कि ये समानांतर चतुर्भुज बन गया और हमसे तो पूछ रहा है कि टीपीयू टी पी मन ये एंगल पूछ एकदम छोटा वाला ये दिख रहा है ना ये एकदम छोटा सा है बहुत बारीकी से देखिएगा एंगल टी पी यू पूछ रहा है समझिएगा अगर ये पचास है अगर ये पचास है तो फिर ये भी पचास होगा किस एंगल से संगत कोण से या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये पचास है तो फिर ये कितना होगा एक सौ तीस होगा क्योंकि कोण का योग वन एटी होता है तो जब ये एक सौ तीस होगा तो ती हो ये भी पचास होगा ये भी समानांतर है तो जब ये एक सौ तीस है तो फिर ये कितना होगा ये वाला बोलिए ये कितना होगा पचास होगा अब देखिए अब ये साठ है और ये पचास है तो साठ पचास एक सौ दस होता है और हमको निकालना क्या है टी पी यू टी पी यू और ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तीनों को तो एक लाइन बन जाएगा और एक एक सौ अस्सी होता है तो ये ये साठ है आपका ये पचास है तो साठ और पचास कितना होता है एक सौ दस होता है तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका एंगल टी पी यू बराबर कितना हो जाएगा आपका सत्तर आंसर आ जाएगा सत्तर डिग्री हो गया आंसर फिर से एक बार ये पचास है तो ये एक सौ तीस होगा क्योंकि एक सौ अस्सी होता है अंत कोणों का योग और ये एक सौ तीस है तो फिर ये पचास हो जाएगा और जब ये एक सौ तीस है तो ये भी पचास होगा क्योंकि यहां भी अंत बन रहा है यहां यहाँ पे तीनों एंगल एक सौ अस्सी होंगे तो साठ और पचास एक सौ दस तो और कितना मिलाएंगे तो एक सौ अस्सी हो जाएगा सत्तर तो इसका मान कितना आ जाएगा सत्तर आ जाएगा यानी आंसर क्या होगा आपका सत्तर डिग्री अगला सवाल ये तो एकदम सिंपल है ये बताना है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई e बराबर क्या होगा देखिए तो छह को बन रहा है एक दो तीन चार पाँच छ और दो दो त्रिभुज बन रहा है एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज में एक सौ और दो त्रिभुज में एक सौ अस्सी या गुणे दो कितना हो जाएगा आपका आंसर तीन सौ साठ डिग्री हो गया आंसर डी नंबर कुछ नहीं था इसमें ये सवाल कैट का पूछा हुआ सवाल है ठीक है कैट का ये भी सवाल कैट का पूछा हुआ है समझिएगा देखिए ध्यान समझिएगा हम क्या दिखाना चाहते हैं आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला ये स्टार है त्रिभुज ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे और ये जो एंगल है ये वाला इसके और इसके सम के बराबर हो क्योंकि बाह्य कोण है यानी ये जो एंगल है ये वाला ये एंगल C प्लस एंगल E के बराबर होगा अब इधर आ जाइए सेम चीज इधर आ जाइए यहां देखिए B ये B है ये E है ये D है ये C है ये A है तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला इसके लिए ये बाह्य कोण बनेगा और इसका सम किसके बराबर होगा इस एंगल और इस एंगल के युग बराबर होगा यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इसके बराबर होगा और यहाँ से त्रिभुज बन रहा है ये वाला। त्रिभुज के तीनों कोण का युग एक सौ होता है यहां पर ए आ गया है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस ई एंगल सी प्लस e एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना एक सौ अस्सी वही आपसे पूछ ही रहा था एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पूछ रहा था एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर व्हाट पूछ रहा था आंसर क्या होगा एक सौ अस्सी होगा तो आप याद रखिएगा इसको कि स्टार इस में कितना एंगल बनता है स्टार में वन बनता है मतलब स्टार ये है ये स्टार हुआ तो इसमें वन एट्टी बनता है लेकिन अगर दो त्रिभुज दिया हुआ इस तरह से तो इसमें तीन बनता है ये बात दोनों में ध्यान रखिएगा स्टार है एक त्रिभुज है तीन क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल समझ गया हूं एकदम बढ़िया से अगला सवाल ये सवाल हम लास्ट में बताएंगे ठीक ना क्योंकि इसके पहले हम लोग को इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम अभी आज ही बताएंगे लास्ट में बताएंगे और इस सवाल में थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि इसमें कुछ मिस्टेक किया हुआ है तो अगला सवाल हम देखते हैं ये वाला सवाल देखिए आपको बताए थे याद करिएगा आपको बताए थे ये एल और ये एम दो ठो लाइन है और यहाँ से दिया हुआ है ए बी ए बी सी और यहां दिया हुआ है डी ई एफ और तीनों समानांतर है और एल और पी ये पी है ये क्यू है और ये आर है ये तीनों पी क्यू और आर ये तीनों समानांतर है पी क्यू आर समानांतर है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर आर पैरल लाइंस एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल एल और एम जो है क्या है ट्रांसवर्सल है बताना है कि कौन सा कथन सत्य है ये भी कैट का सवाल है तो देखिए ए बी बटा में एसी। ए सी ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ ए बी बटा में ए बराबर डी ई बटा में डी एफ मेरी बात ध्यान समझिएगा ए बी देखिए क्या क्या लिया है ए बी मतलब इसका ही वाला पार्ट लिया है ये वाला पार्ट आप बटा में ए सी यानी टोटल टोटल इसका छोटा है इसका टोटल तो जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर भी होगा यानी डीई ए बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में डी है तो डीई आप बटा में टोटल सही होगा यानी डी एफ यानी पहला स्टेटमेंट सत्य है पहला सही है ए बी बटा में ए सी बराबर ई बटा में डी एफ अगर ऐसे में कह सकते हैं कि भी सही होगा बी सी बटा में ए सी तो उधर में क्या लेंगे एफ e बटा में डी एफ हो जाएगा ए बी गुणे ई e, बी सी गुणे देखिए यहां पे जो दिया हुआ है ए बी गुणे ई एफ है ए बी गुणे ए बी गुणे ई e सी है ए बी गुणे ई सी ए बी गुणे ईसी ए बी गुणे यहां पे ई सी है ई e सी है ए बी गुणे ई सी बराबर BC गुणे डी अब इसको चेक करते हैं ए बी गुणे ई सी ए बी गुणे ए बी गुणे ई e, एफ है सही, सही, सही बिल्कुल राइट ई e, एफ है ध्यान समझिएगा ए बी गुणे ई e, एफ तो कौन कौन लिया है समझिएगा ए बी इसका ये वाला ऊपर वाला और गुणे ई e, एफ तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला का गुणनफल किसके बराबर होगा इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले गुणनफल के बराबर होगा यानी ए बी बटा में ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी गुणे डी ई e. हम ये भी कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी बटा में बी सी ए बी बटा में बी सी बराबर डी ई e, बटा में ई e, एफ ऐसे लिख सकते हैं ना बोलिए ऐसे लिख सकते हैं बताए हैं थ्योरी में थ्योरी में समझाए हैं ए बी बटा में बी सी ए बी बटा में बी सी बराबर डी ई e बटा में ई e एफ अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे क्रॉस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास ए बी गुणे ई एफ इक्वल टू बी सी गुणे डी ई यानी आपका सही हो जाएगा यानी आपका ये भी सही है तो वनली वन वनली टू बोथ वन एंड टू ना इधर वन एंड नॉर टू तो बोथ होगा यानी दोनों सही है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और सवाल ये कंसेप्ट बताए हैं आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही वीडियो वन में आप लोग देख लीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो लोग शुरू से देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं तो वीडियो वन से देखेंगे चलिए अगला सवाल देखिए इन द गिवन फिगर ले चित्र अलग बनाते ए बी ए बी सी ए बी सी कितना लाइन चार लाइन है ना एक और लाइन लेते हैं यहां पे ए बी सी डी ई ठीक है इसे रुकिए एक मिनट उल्टा नोट उल्टा लिख दे रहे हैं ऐसे नहीं है एक मिनट रुक जाइए घबराना नहीं है जोमेट्री है घबराइएगा तो घबड़ा जाएगा एकदम मत घबराइए एकदम आराम से पढ़िए ए देख रहे हैं अभी लिखने के लिए मार्कर चाहिए ना लेकिन रबड़ ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ और इसके बाद जी एच ए बी सी डी ई एफ और जी एच बस चार ही लाइन है ये नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं इसका यूज चतुर्भुज में बहुत ज़्यादा यूज होगा इस कंसेप्ट का इसलिए एकदम ध्यान से समझिएगा और क्या क्या दिया हुआ देखिए क्या दिया हुआ है दिया हुआ है ए सी बराबर 20 सी एम ये इसका जो मान है ए सी ए सी का जो मान है वो कितना दिया हुआ है बीस सी एम दिया हुआ है यानी सी बराबर बी ध्यान समझिएगा CE बराबर तीस सीएम सीई कहां है ये ये बीस है ये तीस है CE बराबर तीस सी एम ठीक है ई जी ये चालीस ये दिया हुआ है ई जी बराबर चालीस सी एम ठीक है बहुत बढ़िया और बी एच यानी इधर टोटल दिया है टोटल बी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है पूरा सौ ये सौ दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है डी एफ हमसे ये पूछ रहा है ये अब एक बात बताइएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू इधर टोटल दिया है तो इधर भी टोटल लिया जाएगा तो हमको इसका मान निकालना है इसका तो इसको एक्स मान लेते हैं एक्स बटा में सौ टोटल लिए क्यों टोटल क्यों टोटल ही दिया है टोटल दिया है एक्स बटा में सौ बी एच का मान सौ दिया है यार क्या देखा है बीच बराबर सौ डी एफ पूछ रहा है अब x के में एक लिया जाएगा सीई तो सीई का मान कितना दिया है तीस यानी बटा में अब देखिए सौ टोटल है तो इधर भी टोटल ऐड कर देंगे यानी कि चालीस सत्तर और बीस नब्बे यानी इधर हो जाएगा आपका नब्बे हो जाएगा तो तीस से तीन बार में कट जाएगा यानी एक्स बराबर सौ बटा में तीन यानी तैतीस पॉइंट तीन तीन आंसर कौन होगा आपका सी नंबर मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कि बी डी बताइए बी डी बराबर वाट बी डी बराबर व्हाट तो हम लोग इसको एक्स मानेंगे एक्स इसको एक्स मान लेंगे यानी एक्स इसकास्पेंस आएगा ए सी तो एक्स लेकिन रुक जाइए अभी एक्स बटा में टोटल तो x बटा में 100 इसका कॉरेस्पॉन्डेंस ए है तो ए का मान कितना दिया है 20 यानी 20 आ बटा में 90 20 बटा में 90 क्योंकि टोटल 90 आ रहा है यानी x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से जीरो कटा दीजिए 200 सौ दो, सो, दो सो, आ बटा में नौ तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही लो हम लोग बनाएंगे सेम अनुपात लेकर के हम लोग हल करेंगे इस प्रकार के सवाल को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे इसका स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत बढ़िया सवाल था और ऐसे सवाल परीक्षा में आ सकते हैं और इसका यूज हम लोग क्वारिलेटरल में भी करेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं हम लोग देखिए एक कंसेप्ट समझिएगा मान लीजिए कि इसका मान ए है ये ए है और इसका मान बी है ये कंसेप्ट नहीं बताए अभी और ये एक्स और वाई के रेशियो में है ये एक्स और वाई के रेशियो में है और अगर हमको इसका मान निकालना होगा इसका मान क्या होगा माने इसका इसको हम लोग वाट मान लेते हैं इसका मान क्या होगा इस लाइन का तो कैसे निकालेंगे ए का मल्टीप्लाई होगा वाइस से याद रखिएगा ए का वाइस से और बी का एक्स से यानी का फॉर्मूला हो जाएगा बटा में X प्लस y, एक कंसेप्ट है इसको दिमाग में रखिएगा अब देखिए हम लोग को निकालना है सी डी बराबर वाट सी डी बराबर वाट इसमें इंग्लिश इंग्लिश नहीं है क्या इसका ना इसमें इंग्लिश नहीं है कोई दिक्कत नहीं CD है सी डी बराबर वाट ध्यान दीजिएगा ए बी है ए बी है ये ए बी सी सी यहां पे है ये ए भी यहां पे है सी डी ई और एफ है और ये चार और पांच के रेशियो में यानी चार है और ये पांच है और ये पैंतीस है ये आपका पैंतीस है और ये आपका तिरपन है तो देखिए आप समझिएगा अगर इस फॉर्मूला से अगर हम लोग बना रहे हैं तो पैंतीस का गुणा होगा पाँच से और तिरपन का चार से यानी पैंतीस गुणे पांच पैंतीस गुणे पांच हाँ ठीक है पैंतीस गुणे पांच प्लस तिरपन गुणे चार यानी बी एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बटम एक्स प्लस वाई यानी कि चार प्लस पांच यानी कि नौ हल करिए बारह का दो इक्कीस प्लस पच्चीस का पांच नौ है ये नौ है पच्चीस का पांच एक सौ पचहत्तर और बटा में नौ सात जोड़िए सात आठ तीन तीन सौ सतासी बटा में नौ कटा दीजिए नौ चौका छत्तीस नौती सत्ताइस यानी आंसर क्या आएगा तिरालीस आएगा तिरालीस सेंटीमीटर लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्मूला पर नहीं बताएंगे बनाएंगे हम लोग इसको रेशियो से बनाएंगे समझिएगा अब जो बता रहे हैं उसको तो एकदम बढ़िया समझिएगा कैसे इसको हल करेंगे ठीक बात बताइएगा कि 35 ये 35 था और ये तिरपन हो गया तो 35 से तिरपन होने में कितना रेशियो बना नौ बना चार पाँच नौ बना यानी यहाँ पे नौ का अंतर हो रहा है तो यहाँ कितना अंतर हो रहा है बताइए बीस का अंतर हो रहा है नहीं समझ रहे बात बीस का नहीं अट्ठारह का अंतर हो रहा है पैंतीस और तिरपन में कितने का अंतर है 18 का देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं फॉर्मूला नहीं बिना फॉर्मूला का पैंतीस में और तिरपन में अठारह का अंतर है और यहां पे पांच और चार नौ का अंतर है तो हम ये कह सकते हैं कि नौ रेशियो का मतलब अट्ठारह हो गया तो एक रेशियो का मतलब हो जाएगा दो दो हो जाएगा ठीक है अब हमको इसका मान निकालना है तो यहां पे अंतर चार इस चार का अंतर यहाँ पे चार रेशियो है तो एक रेशियो का मतलब दो है तो चार रेशियो का मतलब आठ हो जाएगा यानी कि यहां से आठ बढ़ेगा जब नौ का अंतर रह रहा है नौ रेशियो रह रहा है तो अठारह बढ़ रहा था तो एक पर दो बढ़ेगा तो चार पर कितना बढ़ेगा बताइए चार पर आठ बढ़ेगा यानी पैंतीस और प्लस आठ कितना तिरालीस हो गया आंसर क्लियर नोट कर लीजिए समझ में आ रहा है बढ़िया से नहीं आ रहा है बोलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल एकदम ध्यान से समझिए एकदम इसको बढ़िया से अगला सवाल समझ गए होंगे आप लोग या सूत्र भी और डायरेक्ट भी दो सवाल और है देखिए ए बी समान्तर ये इधर इधर ध्यान मत दीजिए ए बी समान्तर सी डी ए बी है ये सी डी है ए बी सी डी ये कुछ नहीं है ये चार और कुछ नहीं है ये ई e है ये एफ है ये जी है ये एच है और ये आई है और ये जे है यहाँ पे चौबीस है यहाँ पे तीस है यहाँ पे छत्तीस है छत्तीस है और यहाँ पे छानबे है और इसमें देखिए समझिएगा इसमें इस सवाल में एक चीज छूट गया है बस लाइन छूटा है हम बता देते हैं आप लोगों इस सवाल में ये तीस है ये वाई है ये एक्स है और ये छत्तीस है इसमें ये वाला ये वाला और ये वाला बराबर दिया हुआ है समझिएगा ध्यान से ये और ये बराबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई x प्लस वाई का मान क्या होगा बहुत बढ़िया सवाल है अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा ये और ये बराबर दिया हुआ है तो हम लोग इसको और इसको लेकर के चलेंगे कैसे लेकर चलेंगे देखिए अगर हम लोग इसको लेंगे तो हमको चौबीस लेना पड़ेगा और इसको लेंगे तो हम लोग को छानबे लेना पड़ेगा यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि चौबीस चौबीस में पी इसको पी मान लिए आ बराबर, पी, बराबर पी बटा में छानबे मतलब इसका इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इसका रेशियो होगा अब एक बात देखिए दोनों को पी क्यों माने क्योंकि प्रश्न में दिया है कि ये और ये लाइनिंग इंडिकेट कर रहा है कि दोनों इक्वल है तो चौबीस बटा पी बराबर पी बटा में छानबे यानी पी का मान हो जाएगा पी स्क्वायर का मान हो जाएगा चौबीस गुणे चौबीस गुणे चार यानी p बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा यानी चौबीस गुणे दो कितना जाएगा आपका अड़तालीस आ जाएगा यानी पी का मान अड़तालीस आ गया यानी यहां भी अड़तालीस और यहां भी अड़तालीस देखिए अब एक बात समझिएगा जो रेशियो यहां होगा वही रेशियो यहां भी होगा वही रेशियो यहां भी होगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और वही रेशियो यहां भी होगा आप यहां देख रहे हैं कि 24 है तो 48 हुआ दुगना हो रहा है यहां पर दुगना हो रहा है 24 दुनिया 48 यहां भी दुगना होगा बोलिए यहां भी दुगना होगा यहां अड़तालीस भी यहां भी दुगना होगा एकदम छत्तीस है, तो 48, 48, है, तो तो है और यहाँ वाई है जब सब जगह दुगना हो रहा है तो यहां भी क्या होगा दुगना होगा यानी गुणा दो होगा यानी y का मान कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा और हमको बताना क्या है x प्लस वाई बताना है साठ प्लस अठारह कितना होगा अठहत्तर आपका आंसर आ जाएगा मजा आ रहा है धीरे धीरे एकदम मजा आएगा अभी जब त्रिभुज शुरू होने दीजिए तब आप लोग को असली ज्योमेट्री मजा आएगा अभी तो ये कुछ नहीं है तो कुछ है ही नहीं सवाल आप लोग को ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे कि मजा आ जाएगा ठीक है समझ गए यहां अगर दुगुना देखिए अगर हम लोग ऐसा लेते हैं इस तरह से तो कितना भी लाइन हो कितना भी लाइन हो मेरी बात समझिएगा अगर पंद्रह है यहाँ पर पैतालीस है यहाँ तिगुना हो रहा है अगर यहाँ बीस है तो यहाँ भी तिगुना ही होगा यहाँ साठ हो जाएगा यहाँ चौदह है तो यहाँ भी तिगुना ही होगा बयालीस हो गए फिक्स है तो उसी हिसाब से जब हम लोग पी का मान अड़तालीस निकाले तो दुगना हो रहा था यानी यहाँ से भी दुगना यहाँ पे हो गए छत्तीस हो, हो तो यहाँ कितना होगा अठारह होगा तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल समझ गए होंगे स्क्रीन तो ले लीजिए बताते समय एकदम ध्यान दीजिए अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दो बार देखिए वीडियो को देखिए इसमें क्या निकालना है पी क्यू प्लस ई जी प्लस बी डी पी क्यू यानी ये ये निकालना है ये निकालना है पी क्यू प्लस ई जी यानी ई जी कहां है ई जी जी ये वाला ये निकाला हम लोग को ई जी प्लस बी डी प्लस बी डी यानी ये देखिए लाइन अंडरलाइन कर दिए समझिएगा आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग कलर दूसरा लेते हैं एकदम सिंपल सवाल है आप लोग एक बहुत भारी है कुछ भारी नहीं है एकदम इजी बनेगा कौन सा कलर ले इसको लेते हैं देखिए अब एक बात बताइए कि इसका रेशियो इसका रेशियो और यहाँ से जो रेशियो होगा यहाँ वही रेशियो यहाँ भी होगा तो यहाँ देखिए दिख रहा है चौबीस है और ये अड़तालीस यानी दोगुना हो रहा है गुणे दो यानी यहाँ भी दोगुना होगा गुणे दो तो ये पंद्रह तो ये तीस हो जाएगा यानी पीको का मान तो तीस निकल गया इसका मान तीस निकल गया अब ई जी निकालिए ई जी यानी यह। ये यह ये निकालिए तो जब यहाँ दोगुना हो रहा था तो यहाँ भी दोगुना होगा गुणे दो होगा बोलिए गुणे दो होगा तो गुणे दो होगा तो यहाँ अठारह यहाँ वाला दिया होगा यानी यहाँ नौ होगा नौ दुनी अठारह होगा यानी यहाँ पे नौ होगा तीस प्लस नौ अब आइए तो जब यहाँ दुगना हो रहा है तो यहाँ भी दुगना ही होगा यानी तीस दुनी साठ यहाँ भी दुगना ही होगा अड़तालीस दूनी छानवे यहाँ पर दोगुना ही होगा अठारह दूनी छत्तीस होगा तो हमको यही लेना था बी डी बी डी लेना था ये बी डी है ये बी है और ये डी है ये एफ है ये एच है अरे बस समझ में तो हमको बीडी लेना था तो बीडी साठ है यानी साठ तीस गुनी साठ नहीं 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 गड़बड़ हो गया रुक जाइए ये रुक जाइए घोड़ाइए मत यहाँ तक ठीक है साठ नहीं होगा यहाँ तक ठीक है हमको ये निकालना है देखिए अब ये पूरा बी एच ये टोटल मान दिया है दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन पूरा मान जो है दो सौ छप्पन दिया है हमको इसका मान चाहिए ठीक अब देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा तीनों का रेशियो आपस में सेम नहीं होगा इन दोनों का सेम होगा और इन दोनों का सेम होगा तो समझिएगा आप तो हमको इसका मान निकालना है तो इसको हम लोग के मान लेते हैं यानी के बटा में टोटल टोटल बी एच कितना दिया दो यानी छप्पन बटा में दो सौ छप्पन थर्टी है तो तीस टोटल जोड़ दीजिए टोटल जोड़ दीजिए तो अड़तालीस और तीस अठहत्तर दस अठासी आठ छियानबे यहाँ पे छियानवे हो जाएगा सोलह से छ बार में और यहां से सोलह बार में और 6 से 5 बार में यानी के का मान आ जाएगा सोलह पचे अस्सी यानी इसका मान अस्सी आएगा अस्सी आएगा तो अस्सी तो सौ दस और एक सौ दस नौ एक सौ उन्नीस आपका आंसर हो जाएगा आए बस समझ में ज्योमेट्री है मजा आ जाएगा चलिए एक सवाल और है ऐसा ही जो पीछे हम छोड़ दिए थे इसका स्क्रीन ले लीजिए उसको बता देते हैं बस फिनिश हो जाएगा ये कितना नंबर था जो छोड़े थे हाँ यही सवाल था देखिए ए है ये ए है ये बी है ये सी है एल एम एन यहाँ पे डी है ये एफ है ये जी है और ये ई e है हमको क्या निकालना है ये तीनों पैरल है ए बी सोलह दिया हुआ है ये सोलह है और ये चौबीस है ये अट्ठारह है ये नहीं दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है एफ ई e, हमको ये निकालना है तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा हमको ये निकलेगा पहले पहले ये निकालेंगे और ए डी अट्ठारह है ए बी सोलह है बी सी चौबीस है ठीक है पहले इसको निकालिए तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा यानी सोलह बटा चौबीस बराबर अठारह बटा में एक्स आठ सोलह चौबीस दो से नौ एक्स बराबर कितना गया? आ गया सत्ताईस आ गया यानी इसका मान सताइस आया सताइस आया अब देखिए वो निकालना क्या है ए भी 16 हो गया 16 24 18 डी ई बराबर जी एफ अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये 18 है ये 18 निकल गया 18 है ये और ये निकल गया कितना 27 जो अभी निकाले हैं और दिया हुआ है कि डी ई डी ई बराबर जी एफ डी ई ये और ये बराबर है यानी कि ये भी 18 ये भी ये और ये बराबर है ये भी 27 होगा बन गया हो गया हमको ये निकालना है कुछ करना ही नहीं था अठारह बटा में सत्ताईस इन दोनों को लिए आप इधर इन दोनों को ले लीजिए सत्ताईस बटा में वाट सत्ताईस बटा में एक्स मान लीजिए नौ दुनिया अठारह नौती सत्ताईस एक्स बराबर कितना हो जाएगा इक्यासी बटा में दो यानी छियालीस दशमलव पाँच आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए चालीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर होगा ये डिग्री में दे दिया है थोड़ा ए टाइप जो करेगा थो थोड़ा सा दिमाग का डिस्टर्ब था वो ठीक ना उसको डिग्री मालूम नहीं था कि डिग्री क्या होता है वो बीस डिग्री को वो दो सौ लिख दे, लिख दिया है ठीक ना तो इसलिए उसको हटा दिए दूसरा कोई टाइप मारता है तो आप लोग इतना समझ में आया होगा किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन ले लीजिए किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या हो रही हो पढ़ने में समझने में तो हमको बताइए हम अगला क्लास उस चीज़ को सुधार करके बताएंगे आप लोगों को अब तो आप लोग को दिखने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा लाइटिंग कम आ रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा लेकिन अभी जो क्वेश्चन पे लाइट आ रहा है वो सही है वो सही है आप लोगों को ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही और टेस्ट का तैयारी करिए फिर मिलते अगले क्लास में तब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्यवाद जय हिंद जय भारत